सांसद नितिन गडकरी की संकल्पना से निर्मित खासदार महोत्सव में गजानन महाराज के श्री गजानन विजय ग्रंथ पर आधारित महानाट्य के बाद गुरुवार को महापरायण का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 3000 किलो के खिचड़ी महाप्रसाद के निर्माण के साथ हुआ। इस वक्त सांसद नितिन गडकरी ने शिरकत कर मीडिया से बातचीत की। सांसद नितिन गडकरी ने इस वक्त विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि इस बार खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भक्तिमय कार्यक्रम, साहित्य, मनोरंजन, कविता, नाटिका का भी आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से संस्कृति को बसाना है। लोगों ने भी बड़ी मात्रा में कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया है। देखिए, सांस्कृतिक महोत्सव में रोज हजारों लोग आते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव में बड़े प्रमाण में लोग आते हैं, पर इस बार की विशेषता है कि केवल मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं है, साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, संगीत, इसके साथ इस बार सुबह हम लोग अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्ग के भी कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे। राम रक्षा, विशेष रूप से हनुमान चालीसा, भगवद गीता, गजानन महाराज की पोथी का आज पारायण हुआ, ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम है, उसमें भी हजारों लोग आए। हमारा समाज का प्रबोधन हो, समाज पर अच्छा संस्कार हो, साहित्य, संस्कृति, कला, इसके द्वारा भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारी आध्यात्मिक विरासत के साथ भी एक मन और व्यक्तित्व बनता है। इस सबसे समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो, यही भाव इसके पीछे था और लोगों ने इसके लिए जो बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है और यशस्वी किया, इसलिए मैं जनता के भी आभार मानता हूँ। और आज विष्णु मनोहर इन्होंने जो रिकॉर्ड किया, 7800 किलो की खिचड़ी बन रही है, करीब 50,000 लोग इसको खा सकेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा विश्वविक्रम हुआ है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त सांसद गडकरी ने प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर को शुभकामनाएं भी दी हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश श्रृंखला, BCN न्यूज़ नागपुर।